प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। चाहे खुशी हो या के गम हो, कोई है उसके लगन में। देखो इसमें 100 ग्राम रंग और डाल देना, फिर देखना उसकी चमक। पर आप तो जानते हैं काका, बाजार में सूत और रंग की कीमत आसमान छूने लगी। ऐसे में और रंग क्या कहा, जरा फिर से तो कहना। भाव चढ़ गया है इसलिए तुम अपने पेशे से बेईमानी करोगे। आज अगर रंग डालने में तुम कंजूसी करोगे तो इसी सूत से बनी हुई साड़ी का रंग 2 बार धोने से ही उतर जाएगा, तो ग्राहक क्या कहेगा? ये बात कभी सोची है? हमारी जात बिरादरी की नाक नहीं कट जाएगी? बाजार में संबलपुरी साड़ी की क्या इज्जत रह जाएगी? आप जो कह रहे हैं वो सही है काका, पर हम कर ही कह सकते हैं। साहूकार जो साड़ी लेते हैं वो भी ज्यादा दाम देने के लिए तैयार नहीं है। तो तुम लोग उसे साड़ी देना बंद कर दो, सूत लाना भी बंद कर दो। लेकिन आप तो जानते हैं काका, साहूकार के कर्ज के नीचे हम लोग ऐसे दबे हुए हैं कि हमारे पास और कोई चारा ही नहीं है।
उसे कहां पता है कि एक साड़ी बनाने के पीछे हमारे सारे परिवारों की कितने दिनों की मेहनत होती है। मुझे पता है, पर एक बात याद रखो, हम सभी को एक न एक दिन मरना है, और जब तक जिएंगे हमारी जात बिरादरी पर आंच आने नहीं देंगे। काम ही हमारा भगवान है, काम में अगर धोखा करोगे तो समझ लो भगवान से धोखा करना है। भगवान से डरो, एक दिन उसी के आगे अपने कर्म का हिसाब देना है। सच्चे मन से तो अपना काम करते जाओ, भगवान तुम्हारे कर्म फल अवश्य देगा। हाँ देखो, और 100 ग्राम रंग डाल देना, भूलना मत, मैं खुद आकर के देख जाऊंगा। हे रामा पुरुषोत्तमान हरे नारायण केशव गोविंदा गोवर्धजा गुणदे दामोदर माधव हे कृष्ण कमलापते यदपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाए नाम सिद्धि बुद्धि प्रदाय देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र मूर्ति सुधा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते आद्यांते रहते देवी आद्याशक्ति महेश्वरी महालक्ष्मी नमोस्तुते। दादाजी चलिए, पूजा के लिए सब सामान तैयार कर दिया है। विष्णु की पूजा के पहले लक्ष्मी जी को प्रणाम कर रहा था बेटी। तो ये साड़ी तुम्हारे लिए लक्ष्मी है, वैसे ये लक्ष्मी कब तक बनके तैयार हो जाएगी? ये तो कहना मुश्किल है। आज तक मैंने जो भी सीखा है सबका निचोड़ इस साड़ी में डालने की कोशिश कर रहा हूँ। लगता है मेरे मरने के साथ ही ये साड़ी बनना खत्म होगा। ऐसा मत कहो दादाजी, तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा? अरे घबराती क्यों हो बेटी, ना ये साड़ी इतनी जल्दी खत्म होगी, ना मैं भी इतनी जल्दी मरने वाला हूँ। चल पूजा खत्म करें। अच्छा दादाजी, माँ कहती थी कि हमारे पुरखे ये साड़ियाँ बुनकर 7 समंदर पार के देश में ले जाते थे, क्या ये सच है? हाँ बेटी, इसी महानदी से समुन्द्र तक पहुँचते थे और फिर जावा सुमात्रा बाली तक जाते थे, इसीलिए सारे बुनकरों की बस्तियां नदियों के किनारे में बसी हुई थी। हमारे यहाँ की बनी हुई साड़ियों की बहुत मांग थी। हाँ कई साड़ियां तो इतनी महीन होती थी कि बांस की नली में भी समा जाती थी। सचमुच ऐसा होता था? अच्छा दादू, ये जो तुम साड़ी बुन रहे हो, क्या उस समय भी ऐसी साड़ी बनती थी? हाँ बेटी, ऐसी साड़ी तब भी बनती थी, पर धन समय और लगन की कमी से ये साड़ी सिर्फ इतिहास बन के रह गई। मैं इतिहास को फिर से नया जीवन देना चाहता हूँ। इस साड़ी को क्या नाम दिया गया था? अलग अलग दौर में इसके अलग अलग नाम थे, पर जो नाम सबसे लोकप्रिय था वो था सूर्यमुखी। सूर्यमुखी, मेरा नाम भी तो वही है। जिस दिन तू पैदा हुई थी उसी दिन से साड़ी बनाने का ख्याल मेरे दिमाग में आया। जब भी इस साड़ी की बात करती हूँ तुम सब कुछ भूल जाते हो। चलो खाना खा लो, माँ भी 2 बार बुला चुकी है। चल मेरी नानी, चलता हूँ। क्या दादाजी? चल। अरे हरिया। हाँ मालिक, क्या हाल चाल है रे गाँव का? गाँव का तो हाल ठीक है मालिक, लेकिन आपके चेहरे पर कुछ दिनों बाद दिन निखार आ रहा है मालिक। कुछ पैसे वैसे चाहिए क्या? नहीं मालिक, मैं झूठ मूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ आपसे, मुझे इस गांव में रहना ही नहीं क्या? अरे हरिया। हाँ मालिक। वो जो कानू की पोती है, क्या नाम है? बड़ी खजौटी चीज है रे मालिक, आप भी तो। पर है बड़ी घमंडी, हाथ ही नहीं धरने देती। लेकिन मैंने भी ठान रखी है उसे मजा चखा कर ही रहूंगा। तू कुछ कर, खर्चे की तो फिक्र मत कर। मालिक आपने कहा, समझिए काम हो गया। कानू भैया, वो कानू भैया। अरे साहूकार,
तुम कब आए? मैं तो कब से आगे बैठा हूँ भाई, तुम तो अपने ही काम में खोए हुए हो। और क्या करूं, यही तो आदत है। वैसे किस लिए आए हो? तुमने तो लगता है भैया कसम खा रखी है कि ना मुझसे माल लोगे और ना इशारी बनाकर मुझे दोगे। नहीं साहूकार, ऐसी कोई बात नहीं है, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी इसलिए तुमसे माल ले लिया। और रही सूत खरीदने की बात, मैं ठहरा पका हुआ फल, और मुझसे काम होता ही कहाँ है, बस यही सूर्यमुखी में उलझा हुआ हूँ। ये सूरजमुखी साड़ी तुम क्यों बुन रहे हो? ये बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई। एक तो तुम कहते हो कि ये साड़ी तुम्हें बेचनी ही नहीं है, तो फिर इसे बुनने से फायदा क्या है? फायदा या नुकसान, ये तुम्हारे जैसे व्यापारी के लिए। मैं ठहरा बुनकर, मेरे फायदे और नुकसान का हिसाब तुम नहीं लगा पाओगे साहूकार। हाँ वैसे तुम्हारा आना कैसे हुआ? अगले फागुन में मेरी बेटी की शादी है। मैं ये कहने आया था कि तुम कुछ एक बढ़िया साड़ी उसके लिए बुन कर दे दो, मैं सूत दे दूंगा और तुम्हारे जो भी मेहनताना बन पड़ेगा वो भी मैं दे दूंगा। अरे साहूकार, तुम्हारी बेटी क्या हमारी बेटी नहीं है? मेहनताने की बात छोड़ो, समय कम है, सूत ले आओ, काम आज से ही शुरू कर देते हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी जल्दी राजी हो जाओगे, वरना मैं तो सूत लेकर ही आ जाता। सच बताओ कानू भैया, तुम्हारे हाथों में जादू है जादू। तुम बस एक बार राजी हो जाओ, फिर तुम्हारी बुनी हुई साड़ियां मैं दिल्ली ले जाकर बेच आऊंगा। लो तुम फिर उसी व्यापार पर आ गए। तुम्हारी बेटी की शादी है इसलिए मैंने हाँ की, तुम्हारे व्यापार के लिए नहीं। तुम सोचते हो मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, पर मेरे मन में क्या है ये तुम शायद ही जान पाओगे। तो फिर तुम लोगों को मेरे खिलाफ भड़का क्यों रहे हो? मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं साहूकार, मुझे अगर चिढ़ है तो तुम्हारे व्यापारी ढंग से। सारे गांव को कर्ज के बोझ के तले तुम दबा चुके हो, इन्हें तुम नाकारा कर चुके हो। यह सच है कि लोग तुमसे कच्चा माल लेते हैं और उसी माल से सारा परिवार दिन रात मेहनत करके एक साड़ी बनाता है, उसके बदले तुम उन्हें देते क्या हो? सारी दुनिया जिनके बुने हुए कपड़े पहनकर सजती है, उन्हीं को तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं मिलता, दो वक्त भर पेट खाना नहीं मिलता, कभी सोचा है ये तुमने? अरे भैया मेरे भी तो बाल बच्चे हैं, उनके बारे में भी तो मुझे सोचना है। बोलो क्या तुम चाहते हो कि मैं भी तुम लोगों की तरह ताप पर जाकर बैठ जाऊं? क्या हमारे काम की तुम्हारे नजर में कोई इज्जत नहीं है? अरे अगर हम ताप से हाथ हटा लें तुम्हारे बाल बच्चे पहनेंगे क्या? अरे भैया तुम तो बुरा मान गए, मेरा ये मतलब नहीं था। अच्छा मैं चलता हूँ, कल सुबह मैं सूत लेकर खुद आ जाऊंगा। हाँ अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। तुमने उस पाजी के लिए काम करने को हामी क्यों भरी? अरे इसमें उसकी बेटी का दोष क्या है? आज तुम उसके लिए साड़ी बुन दोगे और कल वो सारे गांव में ढिंढोरा पीटेगा कि उसने तुमसे काम करवा लिया। कहेगा तो कहने दो, उससे क्या होता है। हाँ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? बस यूं ही, कोई मदद के लिए है भी तो नहीं। अरे रे रे, ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। अच्छा एक काम करते हैं, गांव में एक नए मास्टर जी आए हैं, मैं जा करके उनसे बात करता हूँ, शायद वो तुम्हें पढ़ाने के लिए राजी हो जाए। मैं कल ही जाकर उनसे मिलूंगा। ठीक है। जी नमस्ते। नमस्ते। आपको मैंने पहचाना नहीं। जी मैं यहाँ नया नया आया हूँ, यहाँ का स्कूल मास्टर हूँ। अरे मैं तो आप ही से मिलने जा रहा था। अच्छा मैं भी आप ही से मिलने आ रहा था। कमाल है, आप मुझे पहचानते हैं। जी आपके बारे में सब कुछ सुन चुका हूँ, दरअसल आप जैसे महान कलाकार के दर्शन करना चाहता था। कलाकार और मैं क्या बुनकर कलाकार नहीं होते?
आइए घर चलकर बात करते हैं। चलिए। मास्टर जी आपका नाम? जी रवि नारायण आचार्य। मुझे लगता है आप ब्राह्मण हैं। जी हाँ, जन्म तो ब्राह्मण परिवार में हुआ है। हाँ, ब्रह्म जाना अतिथि ब्राह्मण। जो ब्रह्म और ईश्वर को जानता है वो ब्राह्मण कहलाता है, पर मैं तो अभी। क्यों आप जानते नहीं? अहम ब्रह्मास्मि। मैं तो केवल इतना जानता हूँ प्रजननम ब्रह्म, जो सृष्टि करता है वही ब्रह्म है। बस बस मैं समझ गया, हाँ बिल्कुल ब्राह्मण। आइए मास्टर जी बैठिए। सूर्या बेटी देखो तो कौन आया है। मैं जा रहा था मास्टर जी से मिलने, वो भी मेरे पास आ रहे थे, रास्ते में मुलाकात हो गई तो मैं उन्हें साथ ले आया। अच्छा मैं एक बात तो पूछना ही भूल गया, आप मेरे पास क्यों आ रहे थे? कोई खास काम था क्या? वही बात मैं कहने वाला था, मेरी पोती सूर्यमुखी बीए कर रही है। कई बार उससे कहा शहर में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करे, पर वो मानती ही नहीं, बहू इसे जाने नहीं देती और ये मुझे अकेला छोड़कर जाने को तैयार नहीं। मेरा एक ही बेटा था, भरपूर जवान, साड़ियां बेचने शहर गया हुआ था। बरसात के दिन थे, तूफानी नदी की लहरें उसे नाव के साथ खा गई। इकलौते बेटे की मौत के सदमे में मेरी पत्नी भी चल बसी। अब घर में बहू और ये पोती है बस। इसलिए मैं सोच रहा था इस गांव में खास पढ़ा लिखा तो कोई है नहीं, अगर आप जरा सा समय निकालकर कभी कभी पढ़ाई में उसकी मदद कर दिया करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। बस इतनी सी बात? मुझे खुशी होगी अगर मैं आपके कुछ काम आ सकूं तो। शरबत लीजिए। बेटी ये मास्टर जी हैं। नमस्ते। इनसे मैंने बात कर ली है, तुझे पढ़ाने के लिए राजी हो गए हैं। मगर मैं फीस जरूर लूंगा। फीस? हाँ, आपको मुझे कपड़े की रंगाई और बुनाई सिखानी होगी। आपकी फीस तो बहुत महंगी हो गई। अरे तब तो मैं मास्टर का मास्टर बन जाऊंगा। क्या तेज, अरे मुझे तो मास्टर जी बहुत अच्छे। पर दादाजी आप उस वक्त घर पे ही रहना, मैं अकेली नहीं पढ़ूंगी, मुझे शर्म आएगी। अरे अकेली कैसी, घर में तो तेरी माँ है और तू क्या चाहती है मैं तेरे साथ पढ़ूं? का खा गा। दादाजी आप हर वक्त ऐसे मजाक करते रहते हो। अरे मास्टर जी बहुत शरीफ आदमी है और पढ़ने में शर्म काहे की? पर पिताजी इसके शादी के बारे में आप कुछ तो सोचिए, इसकी सारी सहेलियों की शादी हो चुकी है, कुछ के गोद में तो बच्चे भी खेलने लगे। अरे बहू हमारी सूर्यमुखी कोई आम लड़की नहीं है, वो सबसे अलग है। ठीक है आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप जो भी करेंगे सोच समझकर ही करेंगे, पर आप तो जानते हैं बाबूजी
जहाँ कहीं भी इसके रिश्ते की बात चली है, इसकी पढ़ाई ही अड़े आती है। ऐसे में इसको और आगे पढ़ाना, दादाजी इसकी शादी को लेकर मुझे कितने ताने सहने पड़ते हैं। कल की फिक्र में आज को बर्बाद करना कोई अकलमंदी तो नहीं है। वैसे मेरी मानो तो तुम बेकार की चिंता करती हो, हमारी लड़की तो लाखों में एक है। ऊपर वाले ने इसकी भी जोड़ी कहीं ना कहीं जरूर बनाई होगी। चलो जाओ, तुम खाना खा लो। ले मेरी नानी, खाओ। तुम्हें कौन से सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है? जी मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हिस्ट्री में आ रही है। नेपोलियन, जूलियस सीजर, अकबर, जहांगीर, न जाने ऐसे क्या क्या, इनमें ही उलझ जाती हूँ, कुछ याद ही नहीं रहता। इतिहास, अरे यही तो मुश्किल है। हम दूसरों के बारे में ज्यादा जानते हैं जबकि अपना खुद का इतिहास नहीं जानते। अच्छा एक बात बताओ सूर्यमुखी, तुम्हें अपने इतिहास के बारे में कुछ मालूम है? जी मैं कुछ समझी नहीं। खुद को जानने के लिए तुम्हें अपने पुरखों को जानना होगा। तुम्हारी जात बिरादरी के हाथों से बनी हुई संबलपुरी साड़ी सारे हिंदुस्तान में मशहूर हो चुकी है। हिंदुस्तान के सभी बड़े बड़े शहरों में संबलपुरी साड़ी का एक क्रेज सा बन चुका है। ये साड़ी इतनी बढ़िया कैसे बनी, इसका रंग क्यों नहीं छूटता, और तुम्हारे पुरखों ने यह कला कहां से सीखी? इन सारे सवालों का जवाब अगर तुम ढूंढोगी तो तुम्हें एक लंबा सा इतिहास नजर आएगा। अरे सुदाम। काका जी नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते, क्या कर रहे हो? डिजाइन बांध रहा हूं। ये डिजाइन? अरे कितना दूर दूर कर दिया। हाँ इसको इसको पास कर दो। अरे बुढ़ा हो गया, अभी तक काम अच्छा ढंग से नहीं कर सकता। देखिए मास्टर जी ये डिजाइन, ये पहले मन में सोचना पड़ता है, इसके बाद ये डिजाइन बनाते हैं, उसके बाद ये सूत बांधने का काम करते हैं जिसमें महीनों लग जाते हैं, फिर सूत को अलग अलग रंग में रंगना पड़ता है, तब जाकर के ये स्टाफ पर चढ़ता है। अरे बाप रे, व्हाट ए टीडियस जॉब। जी जी कुछ नहीं, चलिए। हाँ चलिए बेटी सूर्या, बाकी चीजें तू दिखा दे। ये क्या है? ये लोग सूत मांझने में मगन हैं, जिसे यहाँ की बोली में मांझनी कहा जाता है। ये लोग इस वक्त इतने मगन हैं, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए इनको पता नहीं चलेगा, मानो पूजा कर रहे हूँ। ओ, ऐसी बात है? इसका एक कारण भी है। अगर इस काम में पल भर की भी देरी हो जाए तो सब सूख जाता है और सारे किए किराए पर पानी फिर जाता है। अच्छा चलिए। राम राम काका। खुश रहो खुश रहो। मास्टर जी आए हैं देखने। नमस्ते काका, और काम कैसे चल रहा है? क्या काम चलेगा, जो कमाते हैं सब साहूकार खा जाता है, तो ये हमारे जिंदगी। चलो मंगल मंगल लक्ष्मी सर्वार साधगी शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते माँ जगदम्बे तारिणी दुर्गे माँ। अरे मास्टर जी आप यहाँ? जी नमस्ते, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। मेरा? जी हाँ, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। ठीक है चलिए घर चलते हैं। चलिए। कानूदा, बहुत दिनों से एक सवाल मेरे मन में उमड़ रहा है कि बुनकर लोग इतनी मेहनत करते हैं मगर उनकी आर्थिक उन्नति नहीं हो पाती, आखिर क्यों? इसका कारण बिल्कुल सीधा है, पीढ़ियों से ये लोग महाजन के कर्ज के तले दबे हुए हैं, काम ये करते हैं लाभ महाजन को मिलता है। लेकिन ये तो सरासर जुल्म है, शोषण है, इस शोषण से मुक्ति दिलाना क्या आपका और हमारा फर्ज नहीं है? आपका कहना सही है मगर साहूकार के शोषण की जड़ इतनी गहरी हो चुकी है
उसे उखाड़ फेंकना मुश्किल है। मैं अकेले ही जिंदगी भर इससे लड़ता रहा, लेकिन जंग में एक अकेला आदमी किससे लड़े, कहां तक लड़े? पेट की आग बुझाने की लड़ाई ने इन्हें इतना उलझा रखा है कि और कोई लड़ाई के बारे में सोचने के लिए इनके पास वक्त कहां है। लेकिन कोई ना कोई हल तो ढूंढना ही होगा। जब तक ये लोग जागेंगे नहीं, इस शोषण का अंत ही नहीं हो सकता। आपकी भावनाओं को मैं समझ सकता हूं, लेकिन लड़ते लड़ते मैं थक चुका हूं। युद्ध में सेनापति कभी नहीं थकता, अब भी वक्त है। गांव के सारे बुनकर अगर हाथ मिला लें तो एक सहकारी समिति बन सकती है। सरकार से हमें हर तरह की मदद मिल सकती है। लेकिन करेगा कौन? हम करेंगे। बात यही है कि यहाँ के लोग उसके बारे में जान ही नहीं पाए, या यूं कहिए कि उन्हें जानने ही नहीं दिया गया। एक बात पूछूं मास्टर जी, आपको हमारे लिए इतनी फिक्र क्यों? क्यों? एक इंसान के लिए दूसरे इंसान को फिक्र नहीं होनी चाहिए? ठीक, लड़ाई के लिए मैं तैयार हूं। नेक काम में देर का है, आज से ही शुरू हो जाए। वो तो ठीक है मास्टर जी, लेकिन साहूकार से दुश्मनी लेकर हम इस गांव में थोड़ी रह सकते हैं। क्यों? वो क्या इस गांव का मालिक है? गांव आप लोगों का है, वो कर ही कह सकता है। मैं केवल इतना चाहता हूं, आपकी मेहनत का फल आपको ही मिलना चाहिए, बस। मास्टर जी, आप समझते नहीं, आप तो इस गांव में दो दिन के मेहमान हैं। आप चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? आप लोग जो समिति बना रहे हैं वो सरकारी होगी, और मेरे रहने ना रहने से क्या फर्क पड़ता है? अरे बेवकूफो, मेरे पांव कब्र में लटक रहे हैं फिर भी मुझ में हिम्मत है, और तुम सब जवान खून होकर के डर जाते हो। मन में लगन है और इरादा नेक है तो ईश्वर की कृपा से रास्ते के पहाड़ भी अपने आप हट जाएंगे। क्यों, तुम लोगों का क्या कहना है? ठीक है ठीक है, मैं कल ही जा रहा हूं। अगर आप लोगों में से कोई मेरा साथ दे तो बेहतर होगा। माधो तू जाएगा? आप तो जानते हैं काका, मुझे फुर्सत ही कहाँ है। तो पदों और केशव जाएंगे? ठीक है, हम चलेंगे। सूर्यमुखी पढ़ी लिखी है, वो भी हमारे साथ चलेगी। ठीक है, सूर्यमुखी भी जाएगी। जानती हो सूर्यमुखी, मेरे पिताजी ने मुझे भीख मांग मांग कर पढ़ाया। बहुत गरीब थे हम, मां बचपन में ही गुजर चुकी थी, पिताजी ब्राह्मण थे, घर का खर्च चलाना भी मुश्किल था। मां के गुजर जाने के बाद वो ज्यादातर घर पर ही रहते थे। मेरी खातिर वो बुनकरों के गांव जा जाकर भिक्षा याचना करते थे, और मेरी मैट्रिक तक की पढ़ाई उसी ढंग से हुई। बचपन से ही मैंने बहुत से बुनकरों के गांव देखे, तब से मेरे मन में ये सवाल उभरते रहे हैं कि परिवार सहित ये लोग इतनी मेहनत करते हैं, लोगों के पहनने के लिए इतनी सुंदर साड़ियां धोतियां बनाते हैं, लेकिन खुद इनके तन ढकने के लिए कोई कपड़ा नहीं। हालात ने आज मुझे ऐसे एक बुनकरों के गांव में लाकर खड़ा कर दिया है, और बहुत सारे सवाल मेरे मन में उभर रहे हैं। क्या मेरा इन लोगों के प्रति कोई कर्तव्य नहीं, जिन लोगों के ऋण तले मैं तबाह हुआ हूं? देखिए सर, देखिए, यह है हमारे उरिया बुनकरों का टाई एंड डाई वर्क। फैंटास्टिक, वंडरफुल, गुड, रियली वेरी वेरी गुड। और इसे देखिए, यह है कानू दादा के हाथों से बनी हुई नक्षत्र माला साड़ी, कितनी सुंदर है, कितना महीन काम है सर। रियली वंडरफुल, मैं आपके सोसाइटी के लिए सब कुछ करने को तैयार हूं, गो अहेड। Thank you.
रमे रामति रामति रमे राम मनोरमम सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नामे वरानने ओम। मास्टर जी। ओ मास्टर जी नमस्कार। नमस्ते। आपसे एक बात कहनी थी। जी कहिए। जो मैं सुन रहा हूं वो सच है क्या? मैं कुछ समझा नहीं। सुना है कि आप लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। आपके खिलाफ? आपसे तो मेरी कोई दुश्मनी है नहीं। तो फिर ये बुनकर जो समिति बना रहे हैं वो बात झूठी है क्या? बिल्कुल सच है, पर यह समिति तो बुनकरों की भलाई के लिए बन रही है, न कि आपसे दुश्मनी के लिए। तो आप मानेंगे नहीं? मतलब? एक बात पूछूं मास्टर जी, फायदा तो भाई उनका होगा, पर आपको क्या मिलने वाला है? हर बात को फायदे और नुकसान के तराजू पे तौलने की मेरी आदत नहीं है। तेरी नजर कौन से फायदे पर है बाकी कोई जाने न जाने, पर मैं जान चुका हूं मास्टर, और धीरे धीरे तू भी मुझे जान जाएगा। राम राम भैया। अरे साहूकार, तुम्हारे बेटी की सारी की तैयारियां चल रही हैं। टाट पर जाने के पहले एक महीना की तैयारी करनी पड़ती है। तुम तो भैया जो कुछ भी बनाओगे अच्छा ही बनाओगे। अच्छा एक बात बताओ, ये मास्टर जो है हर रोज तुम्हारे यहाँ क्यों आता है? क्यों, तुम्हें कोई तकलीफ है? वो हमारी बच्ची को पढ़ाने आता है। पर गांव के लोग तो कह रहे थे कि तुम्हारे घर में राधा किशन की राज लीला। क्या बकवास कर रहे हो, होश में तो हो। मैं नहीं कह रहा हूँ, देखो वो जब तुम्हारे यहाँ आता है तो लोगों को बात बनाने का मौका ही मिल जाता है। एक काम करो, तुम उसे यहाँ आने ही मत दो। मुझे क्या करना है और क्या नहीं इसका फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। और हाँ, आइंदा यहाँ आने की तकलीफ मत करना, तुम्हारी साड़ी तुम्हारे पास पहुँच जाएगी। ठीक है ठीक है, तुम्हारे घर की बात तुम ही जानो, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा था। अच्छा राम राम। क्या बक रहा था वो लंगड़ा? बकेगा क्या, मास्टर जी की बुराई करने आया था, उल्टे पाव लौट गया। वो तो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता है। अरे तू फिकर मत कर, उसके खिलाफ तो लड़ाई अभी शुरू हुई है। रवि जी, इनसे ही मिलाने के लिए मैंने आपको बुलाया था। ये है मिस मानिया फ्रॉम लंडन, ये वर्ल्ड टेक्सटाइल्स के ऊपर रिसर्च कर रही हैं। ये संबलपुरी साड़ी पर भी रिसर्च कर चुकी हैं। इन्हीं के रिसर्च से ये पता चला है कि सिंथेटिक्स फैब्रिक्स पहनने से आदमी को चर्म रोग होता है, और लगातार सिंथेटिक फैब्रिक्स पहनने से मानव सभ्यता के प्रजनन शक्ति रहित होने की संभावना है। इसलिए गर्म या ठंडे हर मौसम में, और साइबेरिया या रेगिस्तान हर इलाके में, सिर्फ कोर्स और कॉटन क्लॉथ ही पहनना चाहिए, क्योंकि ये मानव शरीर के तापमान को नियंत्रण में रखता है। दिस इज हर फाइंडिंग्स, क्यों मैडम? जी हाँ, ठाई और ढाई का कपड़ा दुनिया में सबसे बेहतरीन होता है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ड्यूरेबिलिटी, कम्फर्ट, इकोनॉमी एंड आर्टिस्टिक डिजाइन। इट्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड। Congratulations on your efforts, because cotton is the fabric of the future. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you very much. हमारे इस गांव में बुनकरों की सहकारिता समिति का जो उद्घाटन होने जा रहा है, यह एक नए युग की शुरुआत होगी। और कलेक्टर साहब से अनुरोध करता हूं कि इस अवसर पर वो दो शब्द कहने की कृपा करें। आज बड़ा खुशी का मौका है। मैं इस जिले का कलेक्टर होने के नाते सरकार की पूरी पूरी सहायता देने का आप लोगों को आश्वासन देता हूं। आपकी बनाई हुई ये कीमती साड़ियां किस तरह देश विदेश के बाजारों में पहुंचे,
उसकी भी पूरी व्यवस्था करने का वादा करता हूं। आज कानू बाबू जैसे कुशल बुनकर हमारे बीच में हैं, उनके मार्गदर्शन से आपकी समिति का उत्तरोत्तर उन्नति होगा, यही मेरी कामना है। मेरी आपसे और एक रिक्वेस्ट है, जिस तरह हमारे देश में विदेशों में महिलाओं को आगे लाने का बीड़ा उठाया गया है, उसी तरह अगर सूर्यमुखी जी को इस समिति का सेक्रेटरी बनाया जाए तो मुझे बेहद खुशी होगी। हमारे बुनकर भाइयों की जो पुरानी कलाकृति हैं, उनका पुनरुद्धार करना हमारे लिए गर्व की बात होगी। निखरा है सारा आलम बस तेरी मुस्कानों से, हर चेहरे पे छाया है नूर तेरे रंगों के पैमानों से। तुझ पे है दुआ मालिक की, तुझ पे है देती है खुशी सबको तू, चाहे खुशी हो या के गम हो, कोई है उसके लगन में तू। चाहे खुशी हो या के गम हो, कोई है उसके लगन में तू। सूर्यमुखी सूर्यमुखी जय जय देव हरि हरि हरि। हमारे यहाँ ये एक रिवाज है, लड़की वाले साड़ी को लंबा बताते हैं और लड़की वाले छोटा, ये देखिए कैसे होता है। चार छः आठ उन्नीस बाईस। अरे नौ, 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 दो चार छः आठ दस साढ़े ग्यारह तो नहीं पाए। अच्छा सूर्यमुखी, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? आपने जब समिति के काम में उलझा दिया है तो अब पढ़ाई क्या? ग्रेजुएशन नहीं कर पाई, इसका दुख नहीं है तुम्हें? समिति के काम के सुख के आगे ये पढ़ाई तो कुछ भी नहीं है। कम से कम मैं अपना इतिहास तो जान पाई। वेरी गुड, मैं यही चाहता था। अच्छा एक बात बताओ,
तो मुझे सनकी या जक्की तो नहीं समझते? क्या आपको लगता है कि आप सनकी नहीं है? अरिया जी मालिक, मास्टर और कानू के दम पर ये बुनकर तो अपनी औकात ही भूलने लगे हैं। सभी मिलकर मेरे धंधे को चौपट कर चुके हैं। अरिया जी मालिक, काम कर सकता है इनके साड़ियों की डिजाइन तू कहीं से ला सकता है? पर मालिक ये काम तो मुश्किल है मालिक। क्यों? ये लोग तो डिजाइन कहीं किसी कागज पे लिखते ही नहीं। अरे इतना तो मुझे भी पता है, दिमाग लड़ा दिमाग। देख घर का भेद ही हर जगह होता है। मैं कुछ समझा नहीं मालिक। इन लोगों की डिजाइने जी मालिक रंगीन सूतों में छुपी होती है। हाँ। तू किसी ऐसे आदमी का पता लगा। हाँ। जो कुछ ले देकर हाँ। उनके रंगीन सूत हाँ। हम तक लाकर पहुँचाए। हाँ। खर्चे की तू चिंता मत कर। जो हो मालिक। पर मालिक आप उसका करेंगे क्या? अरे तू देखता जा मैं क्या करता हूँ। काम हो जाए तो मैं तुझे भी खुश कर दूंगा। जय हो मालिक। अरे ये तो साड़ी की डिजाइन है। पर मालिक छुपा छुपा के लेके आया हूँ, इसे 500 रुपए देंगे आप? ठीक है दे देंगे। अच्छा एक काम करो, तुम जाओ बाद में आना। जी साहबका। अरे हरिया। हाँ मालिक। तूने तो बहुत बढ़िया काम किया है, अब पता चलेगा उस कानू को और मास्टर को। पानी में रहकर मगर मस्त से बैर करना कितना भारी पड़ता है। काका काका हम बर्बाद हो गए, हम लूट गए। पर हुआ क्या? ये देखो हमारी डिजाइन की साड़ी मिल में बनी हुई। हमारी डिजाइन? हाँ, और यहाँ के बाजार में कितने कम दामों पर बिक रही है। पर ये डिजाइन उनके पास आई कहाँ से? लगता है इसमें साहूकार की बदमाशी है। बाहर से छपवा कर वो भोले भाले लोगों को संबलपुरी साड़ी के नाम पर बेवकूफ बना रहा है। अगर ये साड़ी बाजार में आ जाएगी तो हमारी साड़ी कौन खरीदेगा? अरे तू घबराती क्यों है? वो कहावत है ना, नया 9 दिन पुराना 100 दिन, ये नकली माल बाजार में कितने दिन टिकेगा? पर हमारी समिति का अब क्या होगा? लो जाओ दूर दूर तक छा जाओ मार्केट पर। जब ये बुनकर हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे तभी मुझे चैन मिलेगा। चले थे मुझसे दुश्मनी लेने, मजाक समझ रखा है? जाओ सभी से कह दो जिसने जो भी पैसे ले रखे हैं आज ही वापस दें, वरना उनका सारा सामान नीलामी कर दूंगा। रब का करम तो है यही जो तू सर। धीरे धीरे नकली साड़ी बाजार पर छा रही, हमारे बुनकरों का क्या होगा सर? समिति में साड़ियों का ढेर लग चुका है और सूत खरीदने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं है। मैंने हेड ऑफिस से बात की थी लेकिन वहाँ से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। वैसे हर किसी को अपना माल बनाने और बेचने का अधिकार। वो तो ठीक है सर, पर फिर उपाय क्या है? ऐसा कीजिए आप लोग एक फ्रेश लोन के लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि सूत तो खरीदना ही पड़ेगा। चाहे खुशी हो
मेरे पास सोने का एक हार है, इसे बेचकर सूत ले आए। मेरे पास भी 1000 रुपए हैं, वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। पर इतने में होगा ही क्या? लगता है साहूकार के आगे हथियार डालना ही होगा, और साहूकार तो इसी दिन के इंतजार में है। जब तक सांस है तन में आश, तब तक। आखिर साहूकार ने आपका ट्रांसफर करवा ही दिया। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ सूर्या, क्या करें? इसे कैंसिल नहीं किया जा सकता। कलेक्टर साहब से मिलकर देखिए ना, अपने लिए ना सही, हमारे लिए सही। साहूकार, राम राम। अरे कानू भैया, धन्य भाग हमारे जो तुम मेरे दरवाजे पर आए। आओ बैठो। अरे भाई जगह दो। देखते हो ना काम कितना बढ़ गया है। कौर, कहो कुछ काम था क्या? हाँ काम से ही आया हूं। तो कहो ना भाई, तुमने मुझे घर से निकाल दिया था, पर मैं वैसा करने वाला नहीं हूं। कुछ पैसे चाहिए। पैसे तो भाई दे दूंगा, पर तुम लौटाओगे कैसे? तुम्हारी साड़ी का तो कोई खरीदार रहा नहीं, और तुम इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। मेरे पास जमीन का एक टुकड़ा है, उसे गिरवी रख सकता हूं। तुम्हारी जमीन मेरे किस काम की? वैसे कितने चाहिए? 10-12 हजार से काम चल जाएगा। पर मेरी एक शर्त है, जमीन के साथ साथ तुम अपने सूर्यमुखी साड़ी भी मुझे दोगे। सूर्यमुखी साड़ी की कीमत तुम आप नहीं पाओगे साहूकार। ठीक है फिर, तुम घर बैठ के हिसाब लगाते रहो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे हैं नहीं। पैसा चाहिए तो सूरजमुखी देनी ही होगी। ठीक है, ये लो 300 रुपए। साड़ी बनाकर दोगे तो बाकी के पैसे भी दे दूंगा। इन्हें रख लो, साड़ी देखकर ही पैसा लूंगा। कुदरत को समेट लूं तुझ में, इसका जतन मैं करता हूं। हम ना रहेंगे तो गम ना होगा, हम ना रहेंगे तो गम। दादाजी अब ठीक से खा भी नहीं रहे, क्या ये उम्र इस वक्त आपकी इतनी मेहनत करने की है? ये साड़ी बुन लो, फिर चैन से सो जाऊंगा। पर ये साड़ी तो आप वर्षों से बुन रहे हैं, फिर आज अचानक इतनी हड़बड़ी क्यों? मैं तुझे समझा नहीं सकूंगा। आखिर क्यों? मैंने सूर्यमुखी का सौदा कर लिया है, इसे लेकर साहूकार मुझे रुपये देगा, और समिति के लिए रुपया बहुत जरूरी है। तो ये बात थी, लगता है आपको हम पर भरोसा नहीं रहा। सेतु बनाने में मैं गिलहरी की भूमिका निभा रहा हूं बेटी।
सूर्यमुखी तो आपका सपना है, आपकी जिंदगी का मकसद है। मैं ये सपने को बेचकर अपने भाइयों के लिए अगर हंसी और खुशी खरीद सकूं तो ये सौदा महंगा नहीं होगा। आइए सर, कलेक्टर साहब आए हुए हैं आप लोगों को एक खुशखबरी देने। सूर्यमुखी जी, मैंने रवि बाबू का ट्रांसफर कैंसिल करवा दिया, अब ये यहीं रहेंगे और समिति का काम भी देखेंगे। थैंक यू सर। आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी है, समिति के साड़ियों का नमूना मैंने दिल्ली भेजा था, दिल्ली में एक मेला लगने वाला है, इसके लिए आप लोगों को 5,000 साड़ियां देनी है। आपकी बनाई हुई सारी साड़ियां दिल्ली में ही बिक जाएंगी। आपने हमें बचा लिया सर, नहीं तो हमारे फाके करने का वक्त आ गया था। अच्छा, कानून यह नहीं दिख रहे हैं? उनकी तबीयत ठीक नहीं है सर, वो बिस्तर से उठ नहीं सकते। क्यों, क्या हुआ? उन्होंने साहूकार को सूर्यमुखी साड़ी बेचने का वादा किया था, इसलिए दिन रात बिना खाए पिए सोए आज उन्होंने साड़ी पूरी की है। पर वो साड़ी उन्हें किसी और को बेचने की जरूरत नहीं है, वो साड़ी तो अनमोल है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, एक और खुशखबरी मैं आप लोगों तक पहुंचाने यहाँ आया था। विमल बाबू, आप ही बताइए ना इन्हें। नक्षत्र माला साड़ी के बारे में कलेक्टर साहब ने अपनी सिफारिश दिल्ली भेज दी थी। आपको जानकर खुशी होगी कि इस वर्ष के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए कानू दादा के नक्षत्र माला साड़ी को ही चुना गया है। दादाजी को, हे भगवान, मैं चाहती हूँ दादाजी को ये खबर सुनाने। अरे नहीं नहीं, कानू दादा एक महान व्यक्ति है, हमारा कर्तव्य होता है कि हम खुद जाकर उनके पास ये खबर सुनाएं। चलिए भाई लोग, चलिए। संदेश देने के लिए कलेक्टर साहब खुद आए हुए हैं। लीजिए, ये सूर्यमुखी साड़ी है। देखिए सर, देखिए कितना महीन काम हुआ है। सर, दिस इज अ पीस ऑफ आर्ट। सर, इसमें मंदिर भी है, रंगोली भी, इसमें हाथी भी है और कलश भी है, और सर इसमें श्लोक भी है। वंडरफुल, वेरी ब्यूटीफुल पीस। पर माँ, दादाजी कहाँ है? दादाजी, 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 माँ, दादाजी, दादाजी, क्या हो गया दादाजी को? तेरे दादाजी को क्या हो गया? तेरे रंगों में भरता हूँ, कुदरत को समेट लूँ तुझ में, इसका जतन मैं करता हूँ। हम ना रहेंगे तो गम ना
रहेगी अमर पर तू, चाहे खुशी हो। कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो अवार्ड या पुरस्कार पाने के लिए काम नहीं करते, खुद पुरस्कार और सम्मान उनके पीछे भागते हैं, और अंततः जिस पुरस्कार और सम्मान के वो हकदार होते हैं उन्हें जरूर मिलता है। कानून मेहर जैसे लोग एक एक समाज के वरपुत्र हैं, वो धन्य है। संसार के इतिहास में देखा गया है ऐसे ही लोग अमर होते हैं। पुष्कर समाज के लिए कानू दादा सदा ही अमर रहेंगे और उनकी कला भी इस महान शहीद को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनकी कला भी महान शहीद को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। सूर्यमुखी तुम क्यों? खानदानी पेशे को आगे बढ़ाने का काम क्या सिर्फ मर्दों का होता है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैं तो स्त्रियों को पुरुषों से कम योग्य नहीं मानता। थैंक यू। तुम न सिर्फ कानू दादा ही बल्कि पूरे बुनकर समाज की इज्जत आगे बढ़ाओगी, ये मेरा विश्वास है। और आपके लिए मेरा कोई महत्व नहीं? मैं अगर सूरज होता तो ये उम्मीद रखता कि सूर्यमुखी मेरी ओर ताकती रहे। रवि का अर्थ भी तो सूर्य ही होता है ना? तू निहारे सदा सूरज को, तू निहारे सदा सूरज को, इतनी खुश नसीब है तू, चाहे खुशी हो या के गम हो, कोई है उसके लगन में तू, चाहे खुशी हो या के गम हो, कोई है उसके लगन।